स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे हैंडीकैम के बारे में। ये अभी मरा नहीं है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप हैंडीकैम क्यों चुनना चाहेंगे एक DSLR या मिररलेस के जगह पे? तो आप ये समझिए, ये सिंपल है, एक चीज़ के लिए बनाया गया है, ये अच्छा से करता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस एक है, काम खत्म। दूसरा, ये एलिगेंट है, मतलब इसमें जूम करना है तो आपको ऐसे ऐसे घुमाना नहीं पड़ेगा, अपने जूम करेगा। जनरली इसका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इतना कम होता है कि इसमें ऑटो फोकस अगर मिस भी हो जाए तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड के चलते ये बहुत ईजिली फोकस कर पाता है। इसलिए जनरली हैंडीकैम का ऑटो फोकस काफ़ी बेटर होता है, और इसका ऑटो फोकस आप कंपेयर कर सकते हैं कैनन के डुअल पिक्स के कंपेयर से। मतलब जनरली अगर कैनन डुअल पिक्स नहीं है तो आप इसे कंपेयर भी मत कीजिए, आपका सारा DSLR इसे खराब ऑटो फोकस देगा। बहुत महंगे वाले नहीं, मतलब नॉर्मल 30-35 हज़ार का बात कर रहा हूँ, 50 हज़ार के अंदर। फिर ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट का बात आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपने काफ़ी लोगों का, अपने दोस्तों को देखा होगा जो DSLR खरीद तो लिए लेकिन वो सिर्फ अलमारी में रखा रह जाता है, क्योंकि मतलब देखने में बड़ा हल्का लगता है। मतलब खास करके जब आप दुकान वकान में जाएंगे तो आप जनरली DSLR या तो बॉडी ओनली रखा जाता है या तो किट लेंस लगा के रखा जाता है, तो आप उठा उठा उतना बुरा नहीं। लोग ये भूल जाते हैं जब वो कितना भी हल्का कोई चीज़ हो, वजन तुरंत आपको नहीं पता चला, आपको कोई बोले यार 1.5 किलो का डम्बल उठा, उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बोलेगा कि उसको 1 घंटे तक उठाए रखो, तब फर्क पड़ जाता है। तो आपको ये कॉम्पैक्ट है तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जैसे मान लीजिए किसी की शादी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप DSLR से एकदम बढ़िया क्वालिटी ले रहे हैं, 15 मिनट बाद आपका हाथ बोलेगा अच्छा पक्का हो रिकॉर्डिंग करते रहना है, आधे घंटे बाद आपका हाथ बोलेगा बेटा रख दे। तो समझिए, इसका कॉम्पैक्ट होना यानी कि ऐसा बनाना कि आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकें बिना कोई दिक्कत के, ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इसको हम DSLR से थोड़ा और डिटेल में कंपेयर करते हैं। DSLR के मामले में सबसे पहला तो वही होता है कि साइज़, आपको देखने में भले ही उतना बड़ा ना लगे लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो समझ आएगा इतनी तो बड़ा चीज़ है। गला में लटकाइए DSLR एक दो बार, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इतना भारी है। और उससे तो ये भी आप समझिए कि वो तो किट लेंस के साथ भारी लगता है, अगर आप कोई बड़ा लेंस ले लिए, जैसे मैंने 70-300 लिया हुआ है, बड़ा हो जाता है, मतलब सही में 1.5 किलो का हो जाता है, और मतलब मेहनत करना पड़ता है। आप बोले नहीं हम बहुत मजबूत हैं, कितना भी आप मजबूत हो, ये 15-20 मिनट में आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 घंटे पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, 2 घंटे में हाथ दुखने लगेगा, 3 घंटे में बैंड बच जाएगी। और इसीलिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर रहते हैं जी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, वो तो मतलब गिम्बल वाले ट्राइपॉड लेके बैठे रहते हैं, कि मतलब एक जहाँ से करेंगे भैया वो मतलब 25-26 किलो का ट्राइपॉड ये मतलब लेंस लेके इधर उधर करना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बॉडी बना रहे लेकिन बैंड बच जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते लेकिन आप थक जाइएगा। तो उस कारण से अगर आप बस स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ करने का मन है, तो DSLR आपको समझ रहे हैं बहुत पहले ही हटा देगा मार्केट से, कि भैया हट जाओ तुम, बस हमको खरीद लो और उसके बाद हमको अलमारी में रख दो और हट जाओ। तो वैसा करने से तो अच्छा है कि अगर आप हैंडीकैम ही ले लें। फिर आप ये समझिए दाम, ये आपको बहुत ज़ोर से चुभने वाला है DSLR में, खास करके जो लोग DSLR खरीदते हैं या कोई भी इंटरचेंजेबल लेंस खरीदते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। जैसे ही पता चलता है किट लेंस में उतना अपर्चर नहीं है, हाई अपर्चर के लेंस के दाम देखते हैं, उसके बाद बोलते लिए मतलब जैसे कि आपको एक आइडिया देने के लिए, किट लेंस कैनन का जो आता है वो लगभग 10-15 हज़ार का आता है। अगर उसी रेंज का मतलब जितना जूम है उसी जूम का आप F2.8 लेना चाहते हैं, सिग्मा का लेना चाहते हैं, वो 30 हज़ार का आता है, और उससे भी ब्राइट लेना चाहते हैं तो वो 70-90 हज़ार का आता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सब देखता तो यह है कि DSLR से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आता है, लेकिन कौन से लेंस से आता है ये नहीं देखते, और लेंस का दाम आप देखते देखते आपका ऐसा होगा कि लेंस ही आपका ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इस कारण से दाम आप समझ ही नहीं, DSLR ऐसा नहीं होता कि आपने खरीद लिया आपका काम खत्म, आप उसमें ऐड करते जाओगे तो देखते देखते आपका वो दाम बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं अभी 2 लेंस ले लिया है, मेमोरी कार्ड लग रहा है, बैटरी भी लूँगा कल मैं आगे चल के, तो देखते देखते मेरा बहुत खर्च हो जाएगा। हैंडीकैम में वैसा नहीं होता, आप जो खरीदे वो चालू है, काम खत्म, आपको बहुत हुआ तो आप एक बड़ा बैटरी ले लोगे, उससे ज़्यादा कुछ आपको तिकड़म नहीं लगेगा। तो आप किस जगह पे इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, पहले आप ये समझिए कि आपको मिल क्या रहा है। आप बोलोगे ठीक है हम DSLR नहीं इस्तेमाल करते, मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, आप पहले ये समझिए कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आपको मिलता है एक इमेज स्टेबलाइज लेंस, और समझ लीजिए कोई भी मोबाइल का इमेज स्टेबलाइजेशन इसके कंपेयर में नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ में तो गिम्बल स्टेबलाइजेशन देते हैं, जैसे कि ये सोनी का मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन का मतलब ये समझिए जो जिसमें मूवी बनाई जाती है हॉलीवुड के, वो सब गिम्बल में बनाया जाता है, जिसमें कैमरा और लेंस एक से ऐसा स्टैटिक रहता है और ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मतलब पूरा दोनों। DSLR में आप क्या कर सकते हो, बहुत हुआ तो आपका लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन होगा, मिररलेस ले लिया तो किसी किसी में सेंसर हुआ तो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पूरा दोनों मतलब लेंस और सेंसर असेंबली को घुमाने से गिम्बल ऐसा इफेक्ट मिलता है। तो सोनी जो ये करता है भयानक फील आता है, मतलब आपको उससे ज़्यादा स्मूथ किसी में नहीं मिल सकता, मतलब उतना स्मूथ तो ये सोनी के खुद के उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि मतलब फिजिक्स आप समझिए कि वो एक गिम्बल दे रहा है छोटा सा।
तो इमेज स्टेबलाइजेशन के मामले में तो बात ही नहीं करना है। फिर बात आता है जूम कि कितना दूर जा सकते, यहाँ पे तो कोई भी मोबाइल नहीं टिकने वाला क्योंकि किसी भी मोबाइल में जूम होता नहीं है, बहुत हुआ तो एक वो है लेंस है वाइड एंगल, एक है टेलीफोटो, और भी 2x का ही होता है जनरली, तो चलिए 5x का कोई मान लीजिए दे भी दे रहा है, तो ये सब तो स्टार्ट होते हैं 15-20x से। और ये ऑप्टिकल जूम की बात कर रहा हूँ, मतलब लेंस आगे पीछे चलता है और एक्चुअली जूम हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा जूम बहुत सस्ते में, मतलब मैं 30-50 हज़ार की बात कर रहा हूँ, 35-20x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा। तो वो तो सोचना ही नहीं, आप कहीं घूमने गए हैं और कहीं दूर का चीज़ दिखाना है, आराम से घुस जाइएगा। तो वो सब चीज़ तो आपको मोबाइल में मिलने से रहा, और DSLR में जो लेंस आते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, एक तो वो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। DSLR का जनरली आइडिया ये होता है कि अच्छे अच्छे क्वालिटी का, अच्छा अच्छा रेंज का लेंस बनाओ, ऐसा मत बनाओ कि एक लेंस है जो वाइड एंगल से टेलीफोटो कर सके। तो वो ना होने के चलते अगर जो लेंस वैसा देगा आपको रेंज, वो जनरली बहुत महंगा भी होगा और ख़राब भी होगा। ख़राब मतलब आप देख लीजिए, सिर्फ वही लेंस इस्तेमाल करके आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए 18-400 mm का कोई लेंस ले लिया, और कोई बाद में कोई 400 mm का लेंस आप लिए, बोलिए लेते रही, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेंस और इमेज स्टेबलाइजेशन के मामले में तो बात ही नहीं करना है। DSLR और SLR कुछ नहीं टिकता है, ठीक है, पहला वो। दूसरा लॉन्ग रिकॉर्डिंग, ये सिवाय पैनासोनिक को छोड़ के कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता, मतलब यूरोपियन यूनियन में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं तो उस पर एक टैक्स लगा हुआ है, और वो टैक्स ये कहता है कि भैया अगर आपका कैमरा 30 मिनट से तक रिकॉर्डिंग करता है तो उसे वीडियो कैमरा के अंदर हम देखेंगे और उससे टैक्स पड़ जाएगा। ये टैक्स बहुत बड़ा नहीं है, नहीं तो सस्ते सस्ते हैंडीकैम तो आते ही नहीं, मतलब 20-25 हज़ार में तो आपको सोनी कैनन पैनासोनिक का मिल जाएगा, लेकिन मतलब फॉर किसी कारण से कोई भी कंपनी देना ही नहीं चाहता है कि मतलब नहीं हम देंगे ही नहीं, सिर्फ पैनासोनिक अपने GH5 में सिर्फ एक कैमरा में ये कर देंगे, ठीक है हम दे देते हैं वो टैक्स, और उसके बाद उन्होंने दे दिया कि भैया जितना आपका मेमोरी है उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होगा, या प्रोसेसर ओवरहीट हो जाए या सेंसर ओवरहीट हो जाए तब बंद कर देंगे, तो या बैटरी खत्म हो जाए, लेकिन 30 मिनट का लिमिट नहीं देंगे। इसमें वैसा टिकड़म नहीं है, और ये बनाया जाता है कि कंटिन्यूसली कई घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सके। तो आप बोले वैसा किसको ज़रूरत पड़ता है कई घंटे तक, जैसे मान लीजिए आप बिल्ड व्लॉग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आप सही में कई घंटा लगता है, मतलब आप कंप्यूटर भी बना रहे तो कई घंटे लगते हैं, मतलब आप सामान जोड़ेंगे बनाएंगे, और आप तो बोलेंगे कि नहीं हम DSLR में ये टाइम लैप्स कर लेते हैं, ठीक है टाइम लैप्स कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए बीच में आप कुछ बोले वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना, तो आपको दूसरा कैमरा रखना पड़ेगा जिसमें कभी भी कुछ हुआ आप बोलने के लिए रुकिएगा, और चूंकि ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आपको ऑडियो के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और जहाँ पे जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे थे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, जहाँ पे आप कुछ बोलना चाह रहे थे कैमरा से सीधे उसको देखे ये कर लिए। तो बिल्ड व्लॉग में हैंडीकैम से तो बेटर आपको कुछ मिलेगा नहीं, खास करके जो जो मशीन पे काम करते हैं, मतलब CNC मशीन हो या ये सब हो जिसमें मतलब 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो 30 मिनट का रिकॉर्डिंग तो ये सब देता है। फिर ये ऑल इन वन है, तो मतलब आप ऐसा समझिए कि ये हैंडीकैम को जनरली कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें आप बाहर से पावर दे सकते हैं, और इसका ये मतलब है कि जब तक मेमोरी नहीं भर जाती तब तक ये आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ कैमरे में इंटरनल मेमोरी भी रहती है, और किसी किसी में बड़े बड़े SD कार्ड लगाने को दिया जाता है। प्लीज़ खरीदने से पहले SD कार्ड का साइज़ देख लीजिए कि वो कितना सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है क्योंकि हैंडीकैम में बहुत प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ले लिए कैमरा और आपने कार्ड ले लिया 128 GB का सोच के कि हमको 20 घंटे का रिकॉर्डिंग मिलेगा, अब लगाए और कार्ड रीड नहीं किया, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैटलॉग उटलॉग पे कि कितना सपोर्ट करता है। तो आप ये समझिए कि मतलब काफ़ी जगह पे यही आपको काफ़ी काम दे देगा, मतलब DSLR सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और आजकल सस्ते सस्ते DSLR लोगों को धोखा भी दे देता है कि खरीद लो और बाद में सिर्फ पिटते रह जाते हैं कि भैया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, और रिकॉर्डिंग में जब 30 मिनट का लिमिट परेशान करता है तब और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इस कारण से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से जाइए कि हैंडीकैम को भी सोचिए, अगर आप वीडियो में कुछ करना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम में आपको हैंडीकैम खुश रख सकता है, मोबाइल से तो बेटर ही देगा, हाँ इमेज क्वालिटी DSLR से बेटर नहीं देगा लेकिन उतना पैसा भी नहीं खाएगा, और आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी लगभग सब ये कैमकॉर्डर में बैटरी बाहर से लगती है, तो इसका ये मतलब है कि मतलब इतना छोटा सा आपको बैटरी देगा आप इतना बड़ा भी खरीद सकते हैं। तो इससे ये होगा कि मतलब आपकी स्टार्टिंग वाली बैटरी जो आई थी वो 2 घंटे चलती थी, आपने बाद में बड़का बैटरी लगा दी 8 घंटा तक चला, टेंशन ही नहीं लेना है, मतलब उतना कोई DSLR का बैटरी नहीं चलता है, DSLR 2 घंटे से ज़्यादा दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, फुल फ्रेम अगर 3 घंटा खींचने लगा तो मैं मान जाऊँगा। तो इस कारण से आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि हैंडीकैम 100% यूज़लेस है, काफ़ी जगह पर सिर्फ हैंडीकैम ही काम कर सकेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप कुछ भी वीडियो में करना चाहते हैं हैंडीकैम को सीधे हटा मत दीजिए। अगले हफ्ते मैं प्रोफेशनल DSLR के बारे ये प्रोफेशनल कैमकॉर्डर्स के बारे में बात करूंगा जो कि काफी तरक्की पे चल रहा है, ये तो डूब रहा है लेकिन वो तरक्की पे कर रहा है, तो आगे उसमें मिलते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं #
S2T इन हिंदी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फ्री हैं तो बेल बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।